भारत माता की। मैं आपके सामने एक छोटा सा किस्सा राजेश पायलट का आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। कौन सी समय का जिक्र है कि जब राजेश पायलट के साथ में एक टकराव का दुर्घटना घटती है, जब इसका जन्म तलाक भी सुनाया जाता है। तो जन्म बताता हूं मैं कौन सी समय का है, और कौन से दिवस और कौन सी तारीख, कौन सा महीना और कौन सी सन थी। देखा, महीना फागुन का 1945 10 फरवरी को रविवार को इस पायलट का जन्म हुआ था। जब रविवार को इस पायलट का जन्म हुआ, इसके माता और पिता अपने लाडले सपुत्र को देख करके मन में खुशी मनाते हैं, और एक ब्राह्मण बुला करके और उसका नाम और नक्षत्र देखते हैं। पायलट का पिताजी जाकर के, भाई इसका नाम क्या निकालना चाहिए, महाराज शुभ घड़ी और शुभ नक्षत्रों में हुआ है, इसका नाम राजेश रखा जाएगा। जब पंडितों ने इसका नाम राजेश काटा जाता है, राजेश ऊंचे भाग्यशाली आदमी, सहज सहज बदन में पड़ जाता है, दिन दुना रात चुगना होना शुरू हो जाता है। जब एक अपनी माता से लाड और प्यार करता है, उधर से माता और उसके पिताजी दोनों अपने पुत्र को अच्छी तरीके से रांगते हैं। इससे बड़ा भाई का नाम चमन था, और चमन से छोटा ही पायलट नेता था। जब पायलट नेता ने पढ़ने की कोशिश की तो भाई चमन के पास दिल्ली में गाजियाबाद के अंदर वो दूध बेचा करता था, उसके पास जाकर के उन्होंने अपनी पढ़ाने की कोशिश और अपने नाम बढ़ाने की कोशिश करता है। कुछ दिन वहां रहता है, उसके बाद में पायलट नेता, इससे पहले पायलट नेता की फीत नहीं थी इसके, राजेश प्रसाद। राजेश प्रसाद ने अपनी मेहनत से और तन से जब वहां से हवा की जहाज की नौकरी मिल जाती है, इसको हवा की जहाज की नौकरी मिलती है। जब पायलट उस हवा की जहाज को नौकरी करते करते दिमाग में अचानक आ जाती है कि अपने को जनता की सेवा करनी है, जब कुछ राजनीति में ध्यान लगा लेता है, राजनीति में ध्यान लगाया, कुछ जनता की सेवा बजाया, जब राजेश पायलट ने अपने मन से और तन से जनता की सेवा करने के लिए तैयार हो गया, जाकर के उसको इंदिरा गांधी के सामने खड़ा हो जाता है और जाकर के कहता है, तो के कह रहे हो, जनता को ने मनी मानो छे, मुन को चाहे ना दे सती पो दे दियो नौकरी के जनता के चरणासी सनवाणो छे सामने जाकर दोनों जोड़ो हाथ, नौकरी कर बाकी मेरी कोन्या बस की बात है, अर अस्ति पो दे दियो पायलट जब खेचे तेर लोखी को नाथ, अर मन के माई जब खेचे सेवा कर बाकी देख जचाई बात है, अर जनता की कर सेवा मुन खेच नाम कमानो छे I'm
मन जनता को दर लीनू छो ध्यान रजे की कैचे चंद्रमासी शाने। अरे छोड़ करया नौकरी को आगो छो मैदान। अरे इंदिरा गांधी भी जब कैचे ऊकानी दर लीनी छी ध्यान। अरे भरतपुर से कैचे इंदिरा गांधी सबसे पहली टिकट दुआयो छो। इंदिरा गांधी मुन जनता की सेवा तो बजारो पाई लेट कैचे खुली गालन लागो फेटर ऊंडे या ताई कैचे नाम निकलो सुन लो पाई लेट। अर बड़ा बड़ा नेता के जब कैचे गालन लागो फेट। अर घना बड़ा रे बड़ाऊ की लाग गया चा साथी कैचे सेट। अर जाकर यानू बोलो कज जनता की सेवा मुन फरज पुगाणो छे। भरतपुर मैया करिया बोले जनता की चरणा मुसी सनवाणो छे। नौकरी का इस्तीफा लिख करके इंदिरा गांधी को संभाला देता है और वो इंदिरा गांधी उस इस्तीफा को लेकर के और उस पायलट के ऊपर अपना हाथ जचा देती है। साबत नीति से उसको नेक इंसान समझ करके और भरतपुर से उनको टिकट दुआ देती है। जब लेकर के टिकट वो पायलट नेता सन 1980 के अंदर भरतपुर से आकर के उन्होंने चुनाव लड़ता है। भरतपुर से उनको चुनाव जीता जाता है। जीत करके वो नेता वहां से रवाना होता है 1984, 1991, 1996, 1998, 1999 में जाकर के दौसा क्षेत्र में एक पायलट नेता अपने छवि को और तरीके को दिखाता है और नेक इंसान दिखाता है। जाकर के सामने खड़ा होता तो कैसे हो रहा था देखा। बड़ो इंसान दोसा क्षेत्र में पहल पहल आकर धर लीनो छो ध्यान। अक इंडिया पानी जचानो छे सुन ले ना मैदान। अर दोसा क्षेत्र का जमींदार की छत्तीसू जात की सुतरी छे ना शान। अर आज दोसा के माय रह करया रे काम करनो छे आ पान तगड़ो
बढ़िया बढ़िया नेता से देख बढ़ायो भावे अर जनता के खेचे सहज सहज नेता ने जितावा को खेचे देख छायो चावे अर लोखी का नात पाई लेट को बढ़ तो आयो भावे अर आकर यार दोसा क्षेत्र में खेचे अपनो डोडो बांध पगहरो चुनाव की बीत गई छी टे मर के पाई लेट नेता की मानी वही छी गे में अरे वो अमीर और गरीबा पर ज्यादा कर तो रहे में अर तेरे लोखी का नाथ कैच आवे अंतम टे में अरे एक दिन की बात कैच काम तो देख खड़ो या कर खेचे अपनो मोटो कर लीनू अंदाजो और सब गरा के माय बड़े बड़े कर खेचे कर लीनू चो साजो अरे बढ़िया खुशी को खेचे अब महाराज कोट पुतली में देख बजायो बाजो अरे कर लोखी का नात खेचे काम तगड़ो सबसे पहली छवि तो राम राम साकी देख लगायो अर घर घर के माई सब बड़ा बुजुर्ग के चरणासी सुनवायो अर वीर छोरे मान्योड़ो कैचे सब जाति को ध्यान लगायो अर दोसा क्षेत्र को आज मान्यो वो तो कैचे कर गोचे नाथायो अर फिर लोखी को नाथ कोई छोड़ रे को ना गयो चे देख रह गहरो छोड़ कर या को ना गयो तो देख गहरो राष्ट्रपति महाराज रे आत्मी चो तो सो बाज रहो छे साजे अरे पप्पू बीरो मन में ख्याल करे छे खेचे बात तो एरी छे अंदाजे अरे सत के गुरु गोविंद साय जी मेरे सिर मस्तक के ताजे अरे पाई लेट पाछे डोल छाय अब कहीं के पाछे बांधांगा पगड़ो क्षेत्र में आता है और आकर के दो सा क्षेत्र में पांच चुनाव अपनी मेहनत से और जनता की हिम्मत से जत और मत दे करके उस नेता को छवि को ऊंची डजाने की कोशिश करते हैं और वो नेता घर घर में जाकर के गरीब और अमीरों की सहायता करना शुरू
कर देता है। पांच साल तक, पांच चुनाव तक मौका मिलता रहा और वो नेता पायलट जीतता रहा। जब तक धरती आकाश रहेगा और पायलट तेरा नाम रहेगा। जब दोसा क्षेत्र के अंदर एक मीटिंग करने के लिए दिल्ली से उन्होंने चल दिया और आकर के दोसा क्षेत्र के अंदर मीटिंग करके और उसने अपनी गाड़ी तेजी से और गति से दौड़ा करके जयपुर मीटिंग में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रास्ते चलते चलते दोसा क्षेत्र से 13 किलोमीटर दूरी के अंदर गांव बढ़ूना के अंदर उस पायलट के साथ में दुर्घटना घटती है। तो क्या घट रही थी? काल बुरी बीमारी आकर रो कली गे तो बेर काल बुरी बीमारी बलाए के चरो कली गे चल कर नेता आयो रसता के माई एक गांव में यगो तो पायो आत की आत खेच गाड़ी देख डिगायो अरे यग के माय जा कर अपना दान की खातर आत बढ़ायो अकर दान दिया सी खेच आज तो सुतरो लाग गोड़ हलो फैली जगती है और बंदा नहीं आवे तो दशा घेर जाती है। अरे पाई लेट नहीं बोत दियो छो दान और दान करिया सी जमींदारो थारी बनेगी चंद्रमासी शान और अया खे करिया खेच गाड़ी आके दियो छो जब खेच बाप को डेरो पायलट के शो काल तो देली नो गे हरो छोबागर यग के माई आयो जब पायलट को देख पड़ो छो था गे अर रसी माथमा बैठा सरो तानी के च बात दियो छो जागे अर दन दन छेरे पायलट तेरो दुनिया गारी रागे अर तेरे लोखी का नाथ के च दो सामजी को सुतरो छो दे रो Oh,
गांव के अंदर यज्ञ हो रहा था, उस गांव के अंदर भाग दे करके यज्ञ को छोड़ करके और दान दे करके वहां से रवाना होता है और मार्शल गाड़ी में बैठ करके अपने हाथों से चला करके उसको जाता है। चलते समय वो पायलट किसान भाइयों को, सभी जातियों को आशीर्वाद देता है, क्योंकि काल बुरी बीमारी होता है। काल बुरी ऐसी चीज होती है इंसान को तीन फैर पहले जगती है, अन्न आता है तो बंदा को घेर घोट करके जाती है। जब प्यार और प्रेम से कह रहा था कि जब तक इस धरती के ऊपर तुमने दान करते रहोगे, जब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा, इतनी कह करके पायलट वहां से गाड़ी स्टार्ट कर देता है और चल करके गांव मंडूना के पास में पहुंच जाता है और जाकर के उसके साथ में दुर्घटना घटती है। उधर से रोडवेज आ जाती है, उधर से अपनी तेज गति से लेकर के उस गाड़ी को आ रहा था, मार्शल के ड्राइवर साइड को काल बुरी बीमारी थी उसके ऊपर चढ़ जाती है और वहीं पर पायलट की फांसू टूट जाती है। जब वहां पर कोलाहल मच जाता है और उस पायलट को गांव मंडूना के अंदर से उठा करके मान सिंह हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। जब हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, उधर से रामा को टेलीफोन करते हैं और रामा टेलीफोन को सुन करके और दिल्ली से 25 मिनट के अंदर आकर के जयपुर में पहुंच जाती है और आकर के अपने पति से एक बार बात करना चाहती थी, कैसे कर रही थी। बोली रे मुंड खबर बोलो कई बात नहीं बाव सी तो लो रामा दोनी जोड़ी हाथर ये कबर मुंडा सी बोल रे पति कहे दुख पायो घाते। अरे नेता के ऊपर नेता अया फिर रिया जाने खुशी दुख पायो छो घाते। अरे आज कया रे उदास वे कर पड़ो के छोड़ा गोना साते। अरे उसी टेम के माए बोलो खज दुख वेरो देख उदासी कर बोली के चेन पड़ रो को ना तेरा दुख की टेम गाव बड़ू नाम वयो एक सी डंट। अरे खेचे उसी टेम के माय बोला हुए गाछा बर भूटे। अरे एक चौकीदार छो एक छो चौकीदार खेचे हुए बाला गो छोला चार। अरे उनकी भी मृत्यु हो गई सात में खेचे त्रिलोकी करता रे। अरे बॉडी काट भी खेचे मर गयो साथ में आज दर्द हुयो छे हूं को भी फांसू हूं मारसल से अब तो खुपारी चू तेरा दुख सुन रहा।
पति था और रामा पायलट 25 मिनट में दिल्ली से आकर के पहुंच जाती है। मान सिंह हॉस्पिटल में जाकर के देखती है पति का बुरा हाल हो रहा था, देख करके पति के बुरे हाल को, और वो रामा हाथ जोड़ करके कह रही थी कि हे पति देव, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, एक बार मुख से मेरे को बोलो। लेकिन पायलट की बोलने की कोई हालत नहीं थी, और उधर से आकर के सारिका उसकी पुत्री अपने पिताजी को कह रही थी, तो क्या कह रही थी? ये तूने पीड़ा पर बैठाऊं रे या बादल बोल मुख सुन तूने सारी का पुत्री देख लडारी लाडर काल जाके माय डाटोड़ो नहीं डटे छो गाडे अर्जी का देख करिया पिताजी का नी बूंदा वेगा हाल अर सुन रे पप्पू रिकॉर्डिंग करता मेरी डटरी को न्या जाले अर दुख पारी छू वो पिताजी के तेरा दुख सुन पिताजी ईश्वर देखी वे गयो कूड़ो अरे या पति को सिर के माल देखिया गयो जूड़ो अरे कोई नेता भी खेच नहीं बोल रो फूड़ो अरे बड़े बड़े काया को खेच हुए वाला गयो तूड़ो अरे आज पिताजी तू के कर चालो मेरी साथ कुण मुन बेस बनावे गो अशोक गहलोत जैसो आ गयो छे नेतार आकर यार सारी कैच बात बताता अर मर्जी छे ना तेरी देख विदाता अर केलिक दीन्या लेख कैच गाथल वैगो नेता अर देख कर यार जब सारी का बेटी बोली कज पिताजी तेरा बना कुण सो धीर बंदा वैगो खड़ी खड़ी रे लड़की को चेरो है गो बहुत उदास है अर मन के माई खेच करवा लागी ख्याल अर रोवे रोवे पण डाटोड़ी नहीं डटे छी जाले अर काल पिरू की बात वो पिताजी तेरा बना कुण सोल्या करया खेच मेरा लाड लडावे गो बेटी रो खचे आज महाराज दर थी माँ का डर कड़ा देख लिया गो
रही थी कि मैं तो पाटा पर भटकूंगी, मेरे कुंड सवार कर दी बंधाओ। ए पिताजी, किसके बाद कुमार आऊंगी और तेरा बना आकर यार कैसी लाड लड़ाऊंगी। पिताजी तूने बहुत बुरी करके जा रहा है, मेरा भाई सचिन अकेला करके जा रहा है। जब लड़की फूट फूट करके रोना शुरू कर देती है और उधर से डॉक्टर बड़ी गौर और प्यार से उसको देखना शुरू कर देता है, लेकिन डॉक्टर को कहीं भी उस पायलट की नस के अंदर श्वास नहीं पाता है। जब उस पायलट को लेकर के वहां से उसकी लाश को मार्शल के अंदर रखते हैं और जनता कुरलाती है, तो किस प्रकार से कैसे कुरला रही थी। सू जात मान सिंह वो सपिटल में बहुत गणी कुरलाया। अरे आज छोड़ गो खेचे दोसा सुनी छे तर काठाया, अरे बड़ा बड़ा रे नेता खेचे जे पर चाइले आया। अरे तेरे लोखी का नाथ खेचे उन बिना तो काम वेलो ना नाथ ने सुन ले नारगवीर। अरे तेरा बिना जाकर के आज कुण सो नाव करणो ना सब बाता को जाने। अरे छोड़ रे कया चलो गो खेचे दोसा को मैदान, अरे बड़ा बड़ा नेता की रे प्यारा जी जिंदन फीकी पड़गी शान। अरे बिना पाई लेट तो दोसा में खेचे राज वेलो ना ना।
करवान जी की लाग गया छा गेले। अरे कई कई तो रोता जा रहा, कई कई बात करे ची देख सुना ना ठेले। अरे त्रिलोकी का नाथ अचानक के रच दीनू खेल। अरे पाई लेट नहीं ले रच लिया गर्ख चंद्रावर को तेल। अरे कोई लारो नारे कोई बोलो खच गरीबा को अब तो काम वेलो ना। ठाडा का तो वे जाएगा अपन गरीब को काम वेलो ना। पायलट को लेकर के दिल्ली राजधानी के अंदर पहुंच जाते हैं और उधर से उसके गांव बहरकपुरा के निवासी घर घर से दीवा बंद करके चूल्हा बंद करके और उन्होंने जीव जान जोखने के लिए उस पायलट के दर्शन करने के लिए दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में आकर के निगम बोध घाट के ऊपर उस पायलट का शमशान भूमि में ले जाते हैं और वहां जाकर के चिता चुनाते हैं और उधर से रामा अपनी सखी सहेली में रो रही थी और एक उस पायलट की बात कह रही थी। क्या कह रही थी? मेरा साजन पागो वीर की गति त्रिलोकी का नाथ आज के फिर गीची महती जितायो आज कयार छोड़ चलो गोठायो। अर जब रामा फूट फूट कर रोबा लागी अर साकी सहेली बैठी जन खोल खोल कर खेवा लागी। अर मर्यादा टूटे छे नहीं साजन वे जाती सहती छोड़ चलो गो सासरा का देख बिराना रोख। अर पाई लेट वो पति देव तेरा बना मुन बावे को न्या टूके। अर मुन कया छोड़ गो अकेली खेच के वे गीछे चूके। अर परक तो खेच लाला सेट मैं तो छोड़ू ना देख ले रहती भगवान के आज वे गयो कूड़ो।
पाड़ू छूर पायलट तेरा हाथ को देख या थी दांत को चूड़ो अरे बड़े बड़े काया को वाह लागो तूड़ो अरे कर लो की का नात झूठ तो एक ना रहती सुन ले ना बरसायो अरे रामा बोली के चे अशोक गहलोत भी पायो अरे जन सब नेता को ऊंचो छो ना ठायो अरे रामा रोवे छी दिन रात बात नहीं देख दे चेती नाते कहते बात कालजे डाटो अरे आज कूड़ो है गो नाथ बिनाणी अरे रामा के आख्या डर डर का बालागो पानी अरे उसी टेम के माये बोली खेच आज तो फिर गीछी महती जाने बचाऊं अरे कहीं ऐसी जीव तीरूंगी बाल में खेच छोड़ गोरो भगवान तूने बड़ी करी छे चूक और आज मेरा बिगर साजने मुने लागे को ना रामा पायलट रोबा लागी दर दर करके कूक और आज क्या कर गयो पायलट नेता दोसा क्षेत्र का बिराना भूख जब पायलट नेता की औरत कह रही थी कि मर्यादा टूटे छे नहीं मैं तेरी साथ में हुए जाती सती और तूने धन धन से मेरा साजन पागो बिल की गति जब सुन करके सकी सहेलियों की भी झाल नहीं डरती वो भी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है ए भगवान फ्री के माया और पायलट की साथ में ऐसा जुलम कमाया जो दोसा क्षेत्र का उठा दिया ठाया और मेरे साथ मेरा पति एक बार भी मुंडे को ना बोलर के आया देख करके वो सकी सहेली उधर से जाकर के निगम बोध घाट के ऊपर उसका दाह संस्कार करने के लिए चौथे पर पुलिस फिर रही थी पुलिस को देख करके और जा करके अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें से उखम करता है और कह रहा था तो क्या कह रही ओ भाई मेरी छाती फाटे सांची के पास थारी गोरा सिंह कान अगनि तो देख लगानी नेता की तो बात को खेच फर्ज पुगानो
पिता की जब आदि देख पड़ी छी लासर उसी टेम के माये लो अशोक गए लो तो सुन बैठो चौपास अर अदल बिहारी वाज पे ही कर बाला यो ख्याल अर प्रेम का आंसू भरियाया डटरी को न्या जाल अक एक बुझा मेरी कटगी आज तो पाप बढ़नो की देख लाश नहीं खेच अपनो पौरण निमानो है जब मूर्त घाट के माल खेच सो काम बतायो अर अटल बिहारी कैच अपनो ओडर देख चलायो अर फुल से कड़ी जी साम जनक नासी गोली तीन छुडायो पण भगत छो गोली की आंच से पचट को न्या वही रे नेता बहुत गणो शरमायो अर तिर लोखी का नाथ भगत छो नेक बड़ो इंसान देव को भगत बतायो है मांगे छा भीक अरे उसी टेम के माई के खींच गया छा लीक अरे की भी ना सुननी चाहे सुन ले प्यारा सीक अरे च 11 तारीख ने तो दा संस्कार वयो तियो वयो तो सुन ले तेरा छी तारीख अरे त्रिलोकी का नाथ जग के माये ने कुण सो धर्म जचायो है नेता देव महाराज की कच छाप लगाई छे सारी कोट पुतली पाई लेट नेता ने रोवे छे तहसीले अर लोवा ने गुण खा गई पाई लेट सरी का नेता नहीं ठालेगी ना चीले अर अशा वे गया हाल रडा टोड़ी खेच डटरी को न्या जाले अर नेवा को सो या तो सूर बीर छो नेता खेच बात तो देख आवे छे जाती है और पुलिस का चौथरपा घेरा लग जाता है और उस घेरा को देख करके वो पायलट नेता की लाश को देखने की छवि और फूल बरसाने की छवि कई नेताओं को रह गई लेकिन वो उनके पास पहुंच नहीं सके। पायलट नेता ऐसा दिग्गज नेता था कि नहीं तो कदे धरती के ऊपर उया और नहीं वो हुआ का। पायलट नेता देव महाराज का परम भगत था, उनके नाम से मशहूर था। जब वो पायलट नेता का दाह संस्कार हो जाता है और 13 तारीख को उसको क्रिया करने के लिए कौन कौन से नेता आते हैं और उसको कहां पहुंचाते हैं, किस प्रकार से कैसे पहुंचाते हैं? फूल चढ़ाते हैं चल तो बोला नेता
तो नेता आया छापाई लेट का दर्शन करो बाट अथना पुरसी दीर्घ अपुष्कर मई पहुंचायो अरे कई नेता तो जाकर पाई लेट का फूला को लाड लडायो अरे फूला ने दूध और देसी देख दुफायो अरे पुष्कल मई ले जाकर अटल बिहारी सुन ले फूल छडायो अरे अशोक गहलोत भी आगो छोके चे उनको मानव डावाट कई आ गया था गंगा में देख बात लाग गई छे फीतर बड़ा गरा की कैसे आए बताई रीत अरे छत्तीस जाति आगे जोड़ू यात अब कह देख करो तो जीत अरे तेरे लोखी का नात कैसे सेज सेज रे फीते बेड़ा ने पार जगत के माए कोई कोई आगो चो ने मन माओ बात जिमायो अरे तेरे लोखी को नात अपना से तो खो देख कमायो अरे अपनो हीरो सोर दरथी में देख मिलायो अरे अपनो छत्तीस जाति को देख बड़ो छोटायो अरे अब केड़े चालांगा के चे अपनो फैसलो देख करावात अल्फा कंपनी आलो बैठो छे ना शेट अरे कैडे चाला कैडे राय अपनो गुम गोपाई लेट अरे मे आया छा गोपाल सेठ थारा दर्शन कर बात